हेलो एवरीवन, वेलकम अगर हूँ मैं हेडमी बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद सेट नंबर सेकंड। जैसे तुम लोगों को बताया इस सीरीज में अपन कैट 22 के नोट नंबर 1 के सेट डिस्कस करते हैं। आज का सेट है यूनिवर्सिटी होपीटी के बारे में। सेट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, बड़ा आराम से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम लोग इसे रीड करना डिटेल में, मैं तुम्हें इसका फटाफट ओवरव्यू दे देता हूँ क्या होता है। देयर इज अ मैनेजमेंट में फोर प्लेयर्स की परफॉर्मेंस चेकआउट की जा रही है। दैट फोर प्लेयर इज अमला, विमला, हर्षिता एंड सरिता, पॉसिबल सिलेक्शन इन यूनिवर्सिटी टीम। और जो ये सिलेक्शन है वो बिहाफ ऑफ पास्ट 8 मैच में उनकी परफॉर्मेंस क्या थी। ठीक है, इन चारों प्लेयर ने मिलकर टोटल 12 गोल किए हैं, राइट? और इन लोगों ने 8 मैचेस में ईच ऑफ हैड स्कोर्ड एटलीस्ट 1 गोल। मतलब ऐसा कोई भी इन चार में से नहीं है जिसने गोल स्कोर नहीं किया, एटलीस्ट 1 तो स्कोर किया है, तो 0 नंबर ऑफ गोल नहीं ले सकते तुम लोग। द फॉलोइंग फैक्ट आर नोन अबाउट द गोल स्कोर बाई दीज फोर प्लेयर ओनली एंड ऑल क्वेश्चन रेफर ओनली दीज गोल स्कोर By these four players. ये जो कुछ फैक्ट है उस गोल स्कोर को तुम्हें हेल्प करेंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही तुम लोगों के लिए एक टेबल क्रिएट कर लिया है जो सेट के साथ नहीं था। टेबल क्रिएशन के अंदर देर इज अ फोर प्लेयर, तो फोर प्लेयर मेंशन हो जाएंगे और 8 मैचेस मेंशन हो जाएंगे 1 से लेके 8 तक। 9 × 6 का अपने ग्रिड रेडी कर लिया है। तुम चाहो तो ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेना, सो दैट इजी रहेगा इस टाइप के सेट को सॉल्व करना। ध्यान से समझना, ध्यान से बिल्कुल कंसंट्रेशन लैक किए बिना अगर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं मैं तो सम ऑफ देयर गोल इज 12। ठीक है, एटलीस्ट 1 है ही। अगर मैं 4 नंबर लगातार लूं बच्चों, कंटिन्यूसली आई एम टेकिंग 4 नंबर 1+2+3+4, यू गाइस रियलाइज दैट कि 1+2+3+4 जो हो रहा है वो 10 हो रहा है, कि ये टोटल 12 नहीं हो रहा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल तुम 1 ना लो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मन है कि तुम 1 ना लो, तुम 2 से स्टार्ट करो, 2+3+4+5, तो यू गाइज रियलाइज दैट कि ये सम 12 से ज्यादा हो रहा है। तो यहां से क्या फिक्स हुआ बच्चों, यहां से क्या फिक्स हुआ कि तुम्हें 1 नंबर ऑफ गोल तो कंसिडर करना पड़ेगा। धीरे धीरे सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है? तो 1 तो डेफिनेटली आएगा। अब मान लो तुमने 1 नहीं लिया और 1 लिया उसके जस्ट बाद में, फॉर एग्जाम्पल तुमने 2 में ही लिया, 3 लिया, 3 के बाद 4 लिया और उसके बाद 5 लिया, अगेन यू हैव अ प्रॉब्लम। 1+3, 4, 4+4, 8, 8+5, 13। तुम लोगों के ये मल्टीपल केसेस सोचने आने चाहिए और सोचने पड़ेंगे फटाफट आंसर करने के लिए। 13, तो अगेन तुम विदाउट यूजिंग 2 12 नहीं बना सकते डिस्टिंक्ट नंबर से। ठीक है, तुम्हें 4 डिस्टिंक्ट नंबर लेने हैं क्योंकि किसी भी प्लेयर ने इक्वल नंबर ऑफ गोल्स नहीं किए। पहली स्टेटमेंट ये थी। दूसरी स्टेटमेंट ये है कि सबने एटलीस्ट 1 लिया है, इसलिए अपन 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहे। तो ये फिक्स हो चुका है सर, 1 आएगा, 2 आएगा। चलो अपन 3 को छोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अपन 3 को छोड़ देते हैं, 4 ले लेते हैं और 5 ले लेते हैं। यू गाइज रियलाइज दैट यस सर, सही फील आ गया। 1+2, 3+4+5, तुम लोग इनका जब सम करोगे तो यू रियलाइज दैट कि ये 12 हो रहा है। बट हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे सेट आए तो वहां पे मल्टीपल केसेस बनने के चांसेस रहते हैं, तो मेक श्योर करो कि इसके अलावा कोई केस बन रहा है, ट्राई करना, यही ट्राई करो। क्योंकि तुम लोग ये तो फिक्स जान चुके थे कि 1 और 2 तो लेना पड़ेगा, तुमने लिया 1 और 2। 1 और 2 के बाद अगर मान लो तुम लोग 3 लेते हो, 3 लेते हो, तो यहां तक कितना बन गया, 3+2, 5+1, 6, पर अगेन 6 और ऐड कर दो, तो क्या ये 12 बन रहा है? यस सर, वी हैव 2 केसेस, वो 4 नंबर ऑफ गोल लेने के वी हैव 2 केसेस। इसके अलावा तुम केस जैसे जैसे इंक्लूड करते जाओगे सम 12 से ज्यादा हो जाएगा, जो अपन ने अभी देखा। तो पहला सिनेरियो तो तुम्हारे माइंड में क्लियर हो चुका था। अब थोड़ा सा मैं टेबल कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ कि क्या क्या सिनेरियो है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ए फॉर अमला, ठीक है, बी फॉर बिमला, एच फॉर हर्षिता, सॉरी हरिता, एंड एस फॉर सरिता।
एक जो और है वो अपन यहां मेंशन कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टोटल जो है टोटल राइट। अब अलग अलग मैच का डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं, जैसे मैच नंबर वन, मैच नंबर टू, मैच नंबर थ्री, मैच नंबर फोर, मैच नंबर फाइव, मैच नंबर सिक्स, मैच नंबर सेवन, मैच नंबर एट, ये सारे मैचेस ठीक है। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत। यहां तक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम लोगों को दिख रहा है कि मैंने कैसे कैसे मेंशन किया है। अब चलते हैं पॉइंट टू पॉइंट। हमेशा जब भी मैं तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग के सेट करने के लिए कहता हूं, हमेशा पॉइंट मेरा रहता है कि जो भी टेबल तुम बना रहे हो, सम पॉइंट होंगे जो डायरेक्ट होंगे, तुम्हें डायरेक्ट टेबल के अंदर पुट करने हैं। सम पॉइंट ऐसे होंगे जो रिलेट होंगे दूसरे पॉइंट से, तुम्हें टेबल के आउटसाइड पुट करने हैं और फिर रिलेशन बनाना है और फिर उसे सही करना है ठीक है। पजल नहीं करना खुद को कि रैंडम कोई तुमने वन से लेके सिक्स कोई उठाया और आंसर कर दिया। फटाफट रीड करो, जो डायरेक्ट पॉइंट है उसको डायरेक्ट यूज करो, जो डायरेक्ट नहीं है उनको आउट ऑफ बॉक्स लिखो ठीक है। चलो, only one goal was scored in every even number of matches. भैया every even number of match में सिर्फ एक गोल हुआ है, तो वन से एट तक कितने इवन नंबर है, टू है, फोर है, सिक्स है और एट है। ये गोल किया किसने है यू डोंट नो, बट इनका जो सम आएगा डेफिनेटली वन नंबर ऑफ गोल आएगा। वन यहां पे भी वन और यहां पे भी वन। बोलो फील आया क्या यहां तक, तुमने टोटल 12 गोल में से 4 गोल का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। यहां पे डाल लेना 12, सम 12 से ज्यादा ना हो जाए, ध्यान से समझना। टिक कर दिया करो जो पॉइंट, डन हो गया ठीक है। अगेन देखो, हरिता स्कोर्ड मोर गोल देन बिमला। हरिता ने बिमला से ज्यादा गोल किए हैं, तो हरिता के सामने ये एरो लगा दूं ग्रेटर देन का, जितना बोला है उतना ही डील किया करो, दैट्स इट। अगेन देखो, द हाइएस्ट गोल स्कोरर स्कोर्ड गोल एग्जैक्टली 3 मैचेस। हाइएस्ट गोल स्कोरर जो है उसने 3 मैचों में स्कोर किया है, कौन कौन से दो मैच, 4 और 8। 4 और 8 में तो डेफिनेटली किया है, बाकी कौन सा मैच था आई डोंट नो। तो ये पॉइंट डायरेक्ट नहीं है क्योंकि तुम्हें अभी तक तो ये भी नहीं पता कि हाइएस्ट स्कोर ऑफ गोल किसने किया है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। अगेन देखो, क्योंकि बिमला के बारे में कुछ कुछ पता है, बिमला स्कोर ए गोल इन मैच वन, मैच वन में बिमला ने स्कोर किया है एक गोल, तो भैया डायरेक्ट डाल दो यहां बिमला ने एक गोल किया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड वन ईच इन 3 अदर कंसेक्यूटिव नंबर। इस बात से कैसे रिलेशन बनाओगे तुम लोग, मुझे यहां पे बताओ। बिमला स्कोर ए गोल इन मैच वन, वन ईच अदर 3 कंसेक्यूटिव मैचेस, इसको छोड़ने के बाद 3 कंसेक्यूटिव मैच, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव मैच में उसने 1-1-1 गोल किया है। तो बच्चों, कैन यू टेल मी बिमला के नंबर ऑफ गोल कितने हैं? कॉमन सेंस हो गया सर, 1 ये है और 3 और हो गया, 1 ये है, 3 कंसेक्यूटिव और करेगा तो सम आ गया 4। यहां से तुम्हारे बहुत से डाउट क्लियर हो गए कि ये केस एलिमिनेट हो चुका है, तुम 6 वाला केस नहीं ले सकते क्योंकि इसमें 4 नहीं है। तो डेफिनेटली जो केस चलेगा वो ये चलेगा, और ये बहुत बड़ा क्लू था, इस क्लू को यूज करो और फटाफट उड़ाने की कोशिश करो, इस क्लू को फटाफट उड़ाने की कोशिश करो। तुम्हारे पास बिमला के 4 हैं, तो हरिता के जस्ट 4 से बड़ा एक ही नंबर है, 5 है। एंड तुम लोग अमला और सरिता के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कह सकते कि इनका 1 गोल होगा कि 2 गोल होगा। अगर इसका 1 है तो इसका 2 है, यस, अगर इसका 2 है तो इसका 1 है। वेरी गुड, मजा आ गया होगा यहां तक कि सर यस, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन इजिली हम लोग कर सकते थे, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आराम से एक एक बात को समझते हुए चलना पड़ेगा तुम्हें, तब जाके तुम लोगों के रिजल्ट कन्वर्ट होंगे आंसर्स में, कि तुम लोग ऐसे सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे, इतना ठीक है। आगे का सिनेरियो देखूं मैं, ठीक है। अगेन तुम लोग कुछ कुछ देखोगे कि द हाइएस्ट गोल स्कोरर स्कोर गोल इन एग्जैक्टली 3 मैचेस, हाइएस्ट रन स्कोरर। अब गोल स्कोरर है कौन बच्चों, हाइएस्ट गोल स्कोरर है हरिता, जिसने कितने गोल किए हैं, जिसने गोल किए हैं टोटल 5, और जिसने इंक्लूडिंग 4 और 8, 4 और 8 में पूरे मैच को अगर देखोगे, 4 इवन नंबर है, इसमें एक ही गोल है जो हरिता ने किया है, और वैसे ही एक ही गोल क्या है हरिता ने, एक से ज्यादा कर नहीं सकते क्योंकि पॉइंट नंबर 1 में बोला गया है
इवन नंबर ऑफ मैचेस में सिर्फ एक गोल हुआ है जो हरिता ने किया है, तो क्या इस स्टेटमेंट से ये बातें प्रूफ होती है कि इसके अलावा इन मैचेस में किसी ने गोल नहीं किया? क्रॉस करने का मतलब समझ रहे हो क्या? इन मैचेस में किसी और ने गोल नहीं किया। होप सो एक एक बच्चा मेरी बात समझ पा रहा है यहां से। अगर ऐसा तुम करते हो तो इस पॉइंट को देखना, तीन कंसेक्यूटिव मैच फॉर बिमला, बिमला के लिए तीन कंसेक्यूटिव मैचेस जो है ना, अब सिर्फ ये बचे हैं। यहां पे तीन कंसेक्यूटिव नहीं है, तो बिमला ने क्या क्या किया बच्चों? यहां पे एक गोल स्कोर किया है, यहां पे एक गोल स्कोर किया है, यहां पे एक गोल स्कोर किया है। बिमला के फोर डन हो चुके हैं, बाकी सब जगह क्रॉस कर दो, क्योंकि सिक्स एक इवन नंबर है, यहां कहीं गोल नहीं हो सकता, तो यहां भी क्रॉस कर दो। बोलो इतनी बात फील से समझ में आई तो बड़े मजे की बात है, एकदम सही से समझ में तुम लोगों को आनी चाहिए। अगर इतना तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ पा रहे हो तो, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम लोग समझ पा रहे हो तो यस, तुम लोगों को एक बात और देखनी होगी, क्योंकि हर्षिता ने टोटल 5 गोल किए हैं और उसने सिर्फ 3 मैचों में गोल किए हैं, ठीक है? तो एक और दो, दो गोल हो चुके हैं, हर्षिता के गोल बचे 3, तो क्या हर्षिता 2 नंबर मैच में गोल कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि सर 2 नंबर मैच में सिर्फ एक ही गोल हुआ है, तो ये भी कर दो क्रॉस। अब तुम लोग डैम श्योर हो, अब तुम लोग डैम श्योर हो इस बात के लिए कि जो अब ये गोल हुआ है इसके अंदर, ये जो 1 गोल हुआ है, या तो इसने किया होगा, इसने किया तो इसने नहीं किया, और अगर इसने नहीं किया तो इसने किया होगा। क्या ये टेबल इस तरीके से फिल कर पा रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आराम से समझ में आया? सिर्फ और सिर्फ टेबल फिल करने का तरीका तुम्हारा समझ में आना चाहिए, और कुछ दिक्कत नहीं है। अब पॉइंट नंबर 5 और 6 अभी तक अपने पास है, उस पर अपन डील करेंगे। आर यू रेडी बच्चों? यस, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। नंबर 5, एन इक्वल नंबर ऑफ गोल्स स्कोर इन मैच 3 एंड मैच 7। बच्चों मैच 3 और मैच 7 में इक्वल नंबर ऑफ गोल हुए हैं, ध्यान से समझना, इसमें इक्वल नंबर ऑफ गोल हुए, मान लो जी नंबर ऑफ गोल हुए, ठीक है? जी अपने अकॉर्डिंग ए बी सी डी, इसका उसका जिसका चाहो उसका नाम ले सकते हो। विच वॉज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड आइदर मैच 1 और 5, जो किसके इक्वल नहीं है, जो किसके इक्वल नहीं है, मैच नंबर 1 में होने वाले गोल और मैच नंबर 5 में होने वाले गोल, इसके इक्वल नहीं है। यस और नो? 1 और इसके इक्वल नहीं है, 1 या 5, इनमें से कोई एक। यस 5 पे, क्योंकि तुम्हें इस पॉइंट के बारे में कोई डायरेक्ट क्लू नहीं था, तुमने ये पॉइंट आउटसाइड द टेबल लिख लिया, इजी टू अंडरस्टैंड। आगे देखो 6, द मैच विच हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स वाज स्कोर्ड, मैच जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल स्कोर हुए हैं, वाज यूनिक एंड इट वाज नॉट मैच 5, ठीक है? जो इस भी मैच में हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल हुए हैं वो यूनिक है। यूनिक का मतलब वैसे नंबर ऑफ गोल किसी और मैच में नहीं हो सकते। मान लो किसी मैच में 3 गोल हुए हैं, तो फिर बाकी 7 मैचेस में कहीं भी 3 गोल नहीं हो सकते। मान लो किसी मैच में 4 गोल हुए हैं, तो बाकी किसी भी और मैच में क्या नहीं हो सकता, 4 गोल नहीं हो सकते। मान लो किसी मैच में जिसमें हाईएस्ट गोल हुए वो 2 है, तो किसी और मैच में वो नहीं हो सकते। एक बड़ी बात यहां कही है कि जो हाईएस्ट गोल है वो मैच 5 में नहीं है, तो मैच 5 हाईएस्ट तो नहीं हो सकता, मतलब मैक्सिमम तो नहीं हो सकता, इसके लिए इसने मना किया है। और यूनिक का मतलब ऐसी चीज जो बाकी कहीं और ना हो रही हो, ठीक है? यूनिक वर्ड का मीनिंग यहां पे ऐसा, ऐसे नंबर ऑफ गोल जो कहीं और ना हो रहे हो। अब दिमाग लगाने का टाइम आ चुका है, तुम्हें एक चीज अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 नंबर ऑफ गोल हो चुके हैं, 3 गोल हरिता करेगा, तो 7 और 3 कितने सर? 10। सिर्फ 2 गोल ऐसे हैं जो बाकी लोग करने वाले हैं, बाकी लोग बोले तो ए और एस करने वाले हैं। तो ये बात तुम्हारे माइंड में थोड़ी चलनी चाहिए। जरा देखते हैं और दिमाग लगाते हैं, क्या हरिता, समझना मेरी बात,
हरिता यहाँ पे 3 गोल कर सकता है, मान लो इसने, मैं सिर्फ हरिता का ही पॉइंट अपने पास बचा है, यहाँ पे अगर ये 3 गोल करता है तो 5 नंबर ऑफ मैच में 4 गोल हो जाएंगे, जो अपने आप में हाईएस्ट है। और तुम्हें साफ पता है कि M5 हाईएस्ट नहीं कर सकता। सर आपको कैसे पता हाईएस्ट है? क्योंकि इसके 3 गोल करने के बाद यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 गोल्स, कहीं भी पुट कर दो वो 4 से ज्यादा नहीं आ सकते। ट्राई करो, यहां पुट करोगे 3 होगा, ठीक है, यहां पुट करोगे 3 होगा, कहीं भी ऐसा सिनेरियो नहीं है जहां पे 4 आ जाए, तो डेफिनेटली मैच नंबर 5 तो नहीं हो सकता सर, मैच नंबर 5 तो नहीं हो सकता। यहां पे हरिता ने क्या नहीं किया बच्चों? 3 नंबर ऑफ गोल नहीं किया। आराम से सोचेंगे अगेन, सर नीचे वाला नंबर छोड़ दिया आपने 7-1 में, अगर मान लो हरिता यहां पे 3 गोल करता तो 3+1 4 हो जाता बच्चों, 7 नंबर मैच में 4 गोल हो जाते। और यू नो वेरी वेल कि मैच नंबर 3 और मैच नंबर 7 में इक्वल नंबर ऑफ गोल होने चाहिए, तो क्या यहां मैं 4 करवा सकता हूं? तुम लोग रियलाइज करोगे ये 4 होने के बाद यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 नंबर ऑफ गोल, तो कैसे पॉसिबल है कि यहां 4 करवा दूं? तो ये भी ठीक है सर, ये फंडा भी हमारा थोड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया कि यहां पे भी अपना हरिता जो है वो गोल नहीं कर सकता। एक एक पॉइंट को सोचना पड़ेगा। देखो जब भी तुम लोग कैक लेवल सेट करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है काम रहना, ठीक है, ऐसे नहीं है कि तुम पेशेंस खो दो, ऐसे माहौल तुम लोग बार बार अलग अलग सेंटेंस रीड कर रहे हो, टेक योर टाइम, एक सेंटेंस को पढ़ने में 2, 5, 10 मिनट जितना लेना है लो, बट उस सेंटेंस को फिर प्रॉपर इंटरप्रेट करो कि वो बाद में जब भी तुम्हें यूज करना हो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ वे तुम यूज कर पाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हें लगता है कि सम टाइम टीचर सॉल्व करते हैं इतना स्मूथली, क्यों सॉल्व करते हैं? पहला बड़ा रीजन है नंबर ऑफ प्रैक्टिस, दूसरा बड़ा रीजन है कि वो उन लोगों को टाइम हो जाता है चीजों को देखते देखते, तो वो सीक्वेंस ब्रेक नहीं करते। तुम लोग पहले एक नंबर पॉइंट पढ़ते हो, फिर 6 पढ़ते हो, फिर 4 पढ़ते हो। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे जिन्होंने ना ऐसे भी पॉइंट पढ़ने होते हैं जिनका लेंथ कम होता है, ऐसा नहीं है, सीक्वेंस में जाओ, जो पॉइंट काम का है टेबल के इनसाइड, जो नहीं है वो टेबल के आउटसाइड, ठीक है। यहां मान लो तुम लोग यहां पे 3 कर रहे हो, राइट, तो टोटल 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इनको 1-1 दे दो 3 आ जाएगा, बट क्या ये यूनिकली रहा कि हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल यूनिकली है? सर नहीं रहा, तो मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। अब तुम्हें 3 नंबर ऑफ गोल करने के लिए सिर्फ एक जगह बची है, वो है यस, तो 1+3 का मतलब यहां पे 4 हो रहा है सम, यस एवरीवन 4, और यहां पे अगर तुम देखोगे 4+1 5, 5+1 6, 6+1 7, 7+1 8, 8+1 9, हाँ 9+1 10, अब तुम्हारे पास 2 नंबर ऑफ गोल बचे हैं। तुम्हें अच्छे से पता है कि 7 और 3 का इक्वल होना चाहिए, तो यहां पे अगर तुम 1 दे देते हो तो यहां हो गया 2, ठीक है, और अब तुम लोग सिर्फ 1 गोल लेफ्ट बचेगा, मान लो कहीं 1-1 दे दिया तो क्या अब तुम 2 डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? नहीं कर सकता मैं, तो ये बात दावे से कही जा सकती है, अगर यहां पे 1 गोल है तो यहां कहीं भी 1 ही गोल हुआ होगा, तभी पॉसिबिलिटी ये है, ये तो पहले क्रॉस हो चुका है ना, तभी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों के नंबर ऑफ गोल इक्वल हो, तो इनका आ गया सम 1 बच्चों, ये बात भी दावे से कही जा सकती है। अब तुम लोग फटाफट अगेन सम करोगे, 4+3 7 8 9 10 और 11, 1 गोल का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, उसके लिए तुम दावे से नहीं कह सकते कि वो विच वन पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा कि ये वाला पार्ट होगा, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस पे डिपेंडेंसी रख रही होगी, उस अकॉर्डिंग वो चल रहा होगा, इन दोनों में तुम्हारे लिए वो प्रॉब्लमेटिक होगा कि वो 1 गोल कहां होगा, यस और नो बोलो काउंटिंग के हिसाब से, 4, 3, 7 और 3, हाँ 10 और 11, 1 गोल और रहा होगा, वो अगर यहां कहीं है तो उसका सम है 2। बोलो इतना बात अच्छे से समझ में आया तुम लोगों को? अगर इतना बात अच्छे से समझ में आया तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 और 1 गोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर चल रहा होगा। अगर यहां तक समझ में आया तो बोलो डील डन। कोई ऐसा जिसको प्रॉब्लम है? और मैटर नहीं करता कि गोल कौन कर रहा है, मैटर ये कर रहा था कि नंबर ऑफ गोल हो कितने रहे हैं। यहां तक ठीक है, यहां तक डील डन। तो पहले देखो हाउ मेनी गोल्स वर स्कोर्ड बाई इन मैच 7, मैच नंबर 7 में नंबर ऑफ गोल कितने होंगे? सर 1 होंगे, राइट। अगेन अब देखो पूरा सेट सोल्व कर लेना,
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिक्वेंस ऑफ गोल्स स्कोर्ड इन मैच वन, मैच थ्री एंड मैच फाइव। बच्चों मैच नंबर वन था, मैच नंबर वन के अंदर तुम सिक्वेंस देखोगे तो फोर है, मैच नंबर वन के अंदर नंबर ऑफ गोल फोर है, मैच नंबर अगर तुम लोग थर्ड देखोगे तो तुम्हें ये नहीं पता कि वो गोल किया किसने है, बट यू आर डैम श्योर कि वन है, राइट। और अगर तुम लोग थोड़ा सा और आगे देखोगे, मैच नंबर फाइव को देखोगे तो मैच नंबर फाइव में दो गोल होंगे, तुम ये नहीं बता सकते कि ये दो गोल इसने किया है किसने किया है, एक फिक्स है तुम्हारा, ठीक है। तो ये टू हो गया। इसके बाद जस्ट अगेन मैच नंबर सेवन का सिनेरियो देखो, मैच नंबर सेवन का सिनेरियो, यहां पे ये चीज तो आसान है कि फाइव और सेवन इक्वल होना चाहिए, और तुम्हें देखो यहां से हेल्प भी मिल गई थी, देखो अगर थोड़ा सा ऑप्शन देखोगे तो नंबर ऑफ गोल की हेल्प मिल गई, ये अलग है सिर्फ, बाकी तीन में इक्वल है, और इस वाले पॉइंट को तुम एलिमिनेट आसानी से कर सकते थे। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, 4-1-2-1, दैट्स योर आंसर। इजी टू अंडरस्टैंड, कर पाओगे इसे। चलो अगेन देखो, मैंने हमेशा कहा है लॉजिकल रीजनिंग का जो कैट लेवल का लॉजिक होता है उसके अंदर सारे के सारे नॉलेज तुम्हारे पास होने चाहिए, सारा लॉजिक समझ में आना चाहिए, तुम्हारी एनालिटिक रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारी डेटा इंटीग्रेशन की कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। देखो स्टेटमेंट डायरेक्ट नहीं आएगा बट किसी सेट का ये हिस्सा है, तो देखते हैं क्या कंक्लूजन निकलता है। अमला एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल इन सेम मैच। अमला और सरिता पे जाते हैं पहले, इन्होंने कभी सेम मैच में गोल नहीं किए। अमला और सरिता, बच्चों यहां पे तो तुम क्रॉस कर ही दो क्योंकि फोर ऑलरेडी हो चुका है, या तो इसमें या इसमें, सेम तो नहीं है सर, इसका भी फिक्स नहीं है किसी एक में होगा, ठीक है, इसका भी फिक्स नहीं है, इसका भी फिक्स नहीं है, इसका भी फिक्स नहीं है, मतलब यहां तो गोल ही नहीं किए। तो पहला जो स्टेटमेंट तुम्हारा है वो ट्रू है, आराम से देखना तुम लोग पोज करके जो टेबल तुमने बनाया उसमें चेकआउट करना, सही से बनेगा तुम्हारा। अगेन हरिता एंड सरिता नेवर स्कोर्ड गोल इन सेम मैच। अगेन देखो हरिता और सरिता को, हरिता और सरिता ने कभी भी सेम मैच में गोल नहीं किया, यहां चेक करो नहीं किया, यहां चेक करो नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, गोल की बात है, गोल नहीं करना इस स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है, तो ये भी सर ट्रू स्टेटमेंट है। यस, अगर ये ट्रू है तो गाइस डेफिनेटली बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। अगेन देखो फिर देखना आराम से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट है जो डेफिनेटली का स्टेटमेंट ये फॉल्स होना चाहिए। इन एवरी मैच एटलीस्ट वन प्लेयर स्कोर ए गोल। एवरी मैच एक प्लेयर ने गोल स्कोर किया है, इसमें एक गोल हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, ये तो डेफिनेटली हो रहा है, ये तो डेफिनेटली हो रहा है, सोचना ही नहीं था इसके लिए, तो डेफिनेटली ये ट्रू स्टेटमेंट है। यस, नो टू प्लेयर स्कोर गोल इन सेम नंबर ऑफ मैचेस। समझना मेरे को, नो टू प्लेयर स्कोर गोल इन सेम मैचेस, किन्हीं दो प्लेयरों ने सेम मैच में गोल नहीं किए, किन्हीं दो प्लेयरों ने सेम मैच में गोल नहीं किए, हाँ सेम मैच में गोल नहीं किए, बताओ इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो। हाँ, किन्हीं दो प्लेयरों ने सेम मैच में गोल नहीं किए, कौन से दो मैच की बात करोगे। वन में देखो इन दोनों ने किया है, इसमें इन दोनों ने किया है, अलग अलग, सेम सेम नहीं किया है। नो टू प्लेयर स्कोर्ड गोल इन सेम नंबर ऑफ मैचेस, काउंट करो जरा सेम नंबर ऑफ मैचेस, इसने कितने मैचेस में किया बच्चों, 1 2 3, थ्री में से कोई टू होगा, इसने 1 2 3 4 में, इसने 1 2 3, यस समझना आराम से, इसने 1 2 3, इसमें से कहीं दो होगा, इसने सबने अलग अलग किया है, यहां पे देखोगे तो 1 2 और 3 मैचेस में किया है, यहां देखोगे तो 1 2 3 और 4 मैचेस में किया है, यहां देखोगे तो 1 2 और 3 इनमें से कहीं दो में किया है, इनमें से कहीं दो में किया है, बट सेम नहीं किया, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया तुम्हारा, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर ट्रू है तो नन ऑफ द स्टेटमेंट तुम लोगों का फॉल्स होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, कितने लोग हैं जो लास्ट वाले के लिए रेडी है, लास्ट वाला देखना। अमला स्कोर गोल इन कंसेक्यूटिव मैचेस। हाँ भाई, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, अमला ने कंसेक्यूटिव मैचेस में गोल स्कोर किए हैं, कंसेक्यूटिव मैच, क्या ये 100% ट्रू है। नहीं सर, नेसेसरीली ट्रू हो जरूरी नहीं है,
देखो नेसेसरली ट्रू हो जरूरी नहीं है, ठीक है। सरिता स्कोर्ड गोल इन कंसेक्यूटिव मैचेस, सरिता का स्टेटमेंट भी हो सकता है, बट नेसेसरली कि 100% होगा वो है, ये नेसेसरली वर्ड होने की वजह से सब कुछ बिगड़ गया, नेसेसरली ट्रू ये भी नहीं है, तो नन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। बहुत ही प्यारा सेट था, एक एलिमिनेशन का सेट था, तुम्हारे पास 8 नंबर ऑफ मैचेस थे, 4 नंबर ऑफ प्लेयर थे, 12 नंबर ऑफ गोल थे, तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट करना था किसका कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कौन से नंबर ऑफ प्लेयर ने कब गोल किया, कौन से मैच में गोल किया, और कुछ फैक्ट तुम्हें गिवन थे, उन फैक्ट की हेल्प से होप्स होगी तुमने ये सेट बना लिया होगा। इसे पोज करना, सॉल्व करना और फिर अपने आंसर चेक करना, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सी यू सून गाइस।